मोदी शिव का एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि दो चार कुछ गया दो एक बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर वो व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसाया। मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म करके निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे, कौवे से कहा, कौवे या मानसरोवर या हंस रहे थे, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना एक जात के, तो है ना एक समाज के, तो है ना ये तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा, नहीं नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नींव पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा, भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया मोती चुप कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुप, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया, भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा, भाई मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मेरे साथ चल मेरे गाँव। उसको लेकर आ गया, कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से, मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है, मर जाऊंगा, पर ये कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया, फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे राजकुमार